अंबाला के कल्पना चावला कॉलेज के हॉस्टल में एक लड़की के सुसाइड करने के बाद पूरे हॉस्टल में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि देर रात एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने हॉस्टल के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले का मुआयना किया। हालांकि नाबालिग ने आत्महत्या किन कारणों से की इस बात का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना के बाद हॉस्टल की लड़कियों में डर का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने हॉस्टल खाली करना शुरू कर दिया है। एसएचओ हमीर सिंह ने बताया कि उन्हें देर रात सूचना मिली थी कि कल्पना चावला हॉस्टल के तीसरे फ्लोर की एक 16 वर्षीय छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस मामले की जांच की। उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़की अभी फर्स्ट ईयर की छात्रा है, जो सिर्फ 4 दिन पहले ही हॉस्टल आई थी। एसएचओ ने बताया कि आसपास की लड़कियों से पूछताछ करने के बाद जानकारी मिली है कि रात करीब 8:30 बजे नाबालिग लड़की अपनी रूममेट से कमरे की चाबी लेकर ऊपर कमरे में आई, जिसके बाद करीब 10 बजे तक जब उसकी रूममेट्स ऊपर कमरे में सोने के लिए आई तो कमरा अंदर से लॉक था, जिसके बाद जब उन्होंने दरवाजे के ऊपर से शीशा तोड़ा तो अंदर नाबालिग लड़की ने पंखे से फांसी का फंदा लगाया हुआ था। एसएचओ ने बताया कि मृतक लड़की के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, और शव को शव गृह में रखवा दिया गया है। उन्होंने कहा इस मामले में जांच के बाद जो भी बनती कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वहीं इस मामले में कॉलेज की प्रिंसिपल ने बताया कि 31 जनवरी को छात्रा कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी और उसने 3 दिन एग्जाम भी दिए हैं। कल रात खाना खाने के बाद उसने अपनी रूममेट से कमरे की चाबी ली और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया, जिसके बाद उसकी रूममेट्स ने हॉस्टल इंचार्ज को जानकारी दी और काफी देर बाद जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो देखा कि छात्रा ने फांसी लगाई हुई है। हालांकि नाबालिग छात्रा ने फांसी क्यों लगाई इस बात का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रिंसिपल ने बताया कि छात्रा जब से हॉस्टल आई थी तब से चुपचाप रहती थी। वहीं जिस नाबालिग लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की है, उसकी रूममेट ने बताया कि मृतक लड़की उनसे बात नहीं करती थी और उन्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अंबाला से अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। ये लड़की 31 को ही अपने बिहार से आई है, फर्स्ट ईयर की बच्ची है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और इसने 3 दिन एग्ज़ाम भी दिए हैं। कल रात इसने डिनर किया है, उसके बाद ये वॉक पे गई है। इसकी रूममेट्स अपना किसी और फ्रेंड के रूम में बैठी थी और ये उनसे चाबी लेकर अपने रूम में गई है और इसने अंदर से बोल्ट कर लिया। जब ये बच्चे गए हैं तो इन्होंने जब नॉक किया तो आवाज़ नहीं आई है, तो इन्होंने अटेंडेंट को इन्फॉर्म किया। अटेंडेंट को भी जब समझ नहीं आया तो उसने चौकीदार को बुलाया। चौकीदार ने कोशिश किया दरवाज़ा तोड़ने का, नहीं टूटा, तो उसने शीशा तोड़कर बोल्ट करके बोल्ट उसका खोला, कुंडा खोला तो अंदर शी वाज हैंगिंग। तो मैम जो लड़की के घर वाले हैं उसको इन्फॉर्म कर दिया? उनको इन्फॉर्म कर दिया, उसी टाइम इन्फॉर्म कर दिया। मैम कोई सुसाइड नोट किसी भी कुछ भी अभी हमें ऐसा कुछ नोट नहीं मिला है। किस तरह का बिहेवियर था इस लड़की का? 4 दिन हुए हैं, अभी बच्चा आया है, न्यू बच्चा था, अभी तो आते ही इसके सेशंस थे, तो पर जो बच्चे बता रहे हैं ये चुप रहती थी, ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। हो सकता है नहीं आई थी तो थोड़ा सा एकदम मिक्सअप होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बच्चा कैसा था। क्या नाम है बेटे आपका और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? सर इसी सेकेंड ईयर प्रियंका चौरसिया जी। तो आपके साथ जो आपकी रूममेट हुई है, क्या घटना हुई है, क्या जानते हो उनके बारे में, किस तरह का उनका बिहेवियर था? सर ज़्यादा बोलती नहीं थी, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, ज़्यादा बोलती नहीं थी कभी। कितने दिन से हो हॉस्टल में आए? मैम 31 जनवरी को आई थी। अच्छा, और क्या हुआ था कल रात? मैम हम लोग तो लंच करके मतलब डिनर करके हम लोग जा रहे थे, तो रूम में नहीं गए थे, मतलब कि फ्रेंड के रूम में थे हम लोग, तो वो आई थी चाबी मांगने के लिए, चाबी चाहिए तो हम लोग दे दिए, फिर उसके बाद गए ढकढक आ रहे तो खोल ही नहीं रही, तो फिर मैम को बुला लिया। उसके बाद कैसे दरवाज़ा खोला गया? पहले तो तोड़ने की कोशिश की, फिर टूटा नहीं तो ऊपर शीशा तोड़ा गया, फिर उससे हाथ से खोला गया मैम। उसके बाद क्या देखा आपने, क्या सुना? उसके बाद हम जो सब देखे वही बस। क्या था मैम? सर उसका बॉडी लटक रहा था।
दुपट्टे में उस लड़की का, नेहा का। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।